नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, तुला राशि की ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इस वीडियो पर एक लाइक करें। कमेंट बॉक्स में शनिदेव का आशीर्वाद लेने के लिए सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। तो मित्रों, हम यहां पर बात कर रहे हैं 18 मई 2022 के तुला राशि फल के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 18 मई का ये दिन आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां लेकर आया है, किन किन चीज़ों में आज आपको बड़े लाभ होंगे, किन किन चीज़ों में आपको सावधानियां बरतनी हैं। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज का ये दिन तुला राशि वालों, अगले 24 घंटों के अंदर आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव होगा जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप ना करें। 18 मई 2022 को कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि है। ज्येष्ठा नाम का नक्षत्र है जो कि सुबह 8:08 से प्रारंभ होगा। मूल नाम का नक्षत्र रहेगा, साथ में दो दो नक्षत्र रहेंगे। सिद्धि नाम का योग है। बुधवार का ये दिन है। चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर होगा सुबह 8:05 पर, जब चंद्रमा वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे, जबकि सूर्य वृषभ राशि में विराजमान है। आज का राहु काल का समय यानी कि दिन का सबसे अशुभ समय रहेगा। दोपहर 12:23 से लेकर दोपहर 2:03 तक का समय आपके लिए अशुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम ना करें, कोई भी नया काम ना करें। आज का भी जीत मुहूर्त रहेगा सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:23 तक का समय आपके लिए शुभ है। इस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा। तो मित्रों, ये था ग्रह नक्षत्रों का हाल। इसी के आधार पर हम आगे जानेंगे आज आपकी दिनचर्या किस तरह से परिवर्तित होगी। तुला राशि वालों, पहले ही तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का ये दिन आपके जीवन में ढेरों खुशियां लेकर आया है, परंतु कुछ चीज़ों में सावधानियां भी बरतनी हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर लें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और अपना प्रेम हम तक पहुँचाते रहें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखें। तुला राशि वालों, आपका जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है तो कंजूसी बिल्कुल ना करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। मित्रों, हर एक दिन एक जैसा कभी नहीं होता, समय हमेशा बदलता रहता है। कोई दिन अच्छा होता है तो कोई दिन बुरा होता है। कभी कभी हमारे सभी काम आसानी से पूरे हो जाते हैं तो कभी कभी बनाए काम बिगड़ जाते हैं। तो मित्रों, आपको बता दें, जब भी ग्रह नक्षत्रों में कोई बदलाव आता है, कोई परिवर्तन आता है, तब उसका सकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, जबकि कुछ चीज़ों में बुरे प्रभाव पड़ते हैं। सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, उपाय करने पड़ते हैं। तो यदि हमें पहले से पता चल जाए कि हमारा आने वाला दिन कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा, तो हम कुछ सावधानियां बरतकर, कुछ उपाय करके अपने आने वाले समय को और बेहतर बना सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत में मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताऊँगा। इस उपाय को आज आप जरूर करें और इसका लाभ उठाएँ। चलिए दिन का शुरुआत करते हैं दिन के शुभ विचार के साथ। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं है मित्रों, समय के साथ चलना जरूरी नहीं है, सच के साथ हमेशा चलें। एक दिन समय आपके साथ चलेगा, तो अगर विचार पसंद आया है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं आज के राशिफल के बारे में। 18 मई का ये दिन तुला राशि वालों, आपके जीवन में कौन कौन सी ऐसी बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आया है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बात करें अगर चंद्रमा के बारे में, तो चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा अच्छे रिजल्ट देते हैं। आज आपका जो ध्यान होगा उसको आपको इधर उधर से हटाकर अपनी जिम्मेदारियों में लगाना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर खुद ऐसा महसूस भी करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, पहचानेंगे और उन पर पूरी लगन से काम भी करेंगे। साथ में देखिए, आज आप किसी पार्टी का आयोजन भी करना चाहेंगे, ऐसा भी हो सकता है आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहें, उनको समय देना चाहें, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है, आप दोनों ही चीज़ों को बड़े अच्छे से मैनेज कर लेंगे। आप अपने परिवार की परेशानियों पर भी ध्यान देंगे, उनको प्राथमिकता भी देंगे और साथ ही साथ अपना काम भी करेंगे। कुछ ऐसे व्यक्तित्व आज आपका यहाँ पर दिखाई देगा, आप हर चीज़ में अच्छे से सामंजस्य बिठाते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से ये दिन आप लोगों के लिए काफ़ी संतुष्टि भरा रहेगा। साथ में आज आप अपनी योजनाओं को भली भांति बनाएं ताकि आप दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें। इसके अलावा देखिए, आज आपको किसी निर्णय को लेने में भी परेशानी हो सकती है, किसी निर्णय को लेने में आपको दुविधा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आज आपको अपने साथियों का साथ मिलेगा, अपने मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप डिसीजन लेने में सहूलियत महसूस करेंगे।
साथ ही चारों तरफ से आज आपको कुछ विचार भी प्रभावित करेंगे, यानी ये समय ऐसा होगा जब आपको अपने उच्च अधिकारियों और अपने साथ काम करने वालों की तरफ से कोई खुशी की बात सुनने को मिल सकती है। अपने काम को लेकर आज आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस अवसर पर अपनी योजनाओं को आप आरंभ कर सकते हैं। बड़ा उचित समय है क्योंकि आज आपके अंदर नेतृत्व की भावना जागेगी, जिसके चलते आप बड़ा अच्छा नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आज आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दी जा सकती है जिससे आप खुद को काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, और ये जिम्मेदारी कोई सामाजिक रूप से भी हो सकती है या आपके ऑफिस में किसी काम से संबंधित ये जिम्मेदारी हो सकती है, परिवार की तरफ से हो सकती है, तो ऐसी जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी। कोई ऐसी यहाँ पर जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है जिसे आप बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप कोई ऐसी भौतिक चीज़ भी खरीद सकते हैं जो काफ़ी महंगी होगी। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी लगे तभी आप उस चीज़ को खरीदें, अन्यथा ना खरीदें। अभी डाल दें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे आपका खर्चा प्रभावित होगा, आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है, इसलिए आपको अच्छे से हर चीज़ को नियंत्रण में रखकर चलना होगा। बाकी आज आप हर चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखकर चलेंगे, सभी कामों को समय पर पूरा कर पाएंगे। कुछ स्थितियां ऐसी भी निर्मित हो रही हैं जहां थोड़ी बहुत सावधानी आपको रखनी होगी। एक तो आपको विद्युत यानी कि बिजली की चीज़ों से सावधान रहना है, उनको आप समय से चेक करके रखें। ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं उनके ख़राब होने की आशंका यहाँ पर आपकी बन रही है, या कोई विद्युत की बिजली की चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या चोट चपेट आपको लग सकती है। सभी चीज़ों पर आप थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। इसके अलावा देखिए, तीसरा भाव होता है वो आपके पराक्रम का भाव होता है, इसलिए यहाँ पर आपका पराक्रम भी काफ़ी अधिक देखने लायक होगा। आप अपने जिस भी कार्य को करेंगे उसमें पूरी एनर्जी के साथ, आप पूरे पराक्रम के साथ करेंगे। सभी कामों में आज आपको अपने भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। इस दिन को आप उनके साथ अच्छे से बिताते हुए नजर आएंगे। अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनकी जिम्मेदारी को भी आप बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे, उनकी इच्छाओं को पूरा करके। और देखिए, यदि हम बात करें आर्थिक स्थिति की, यहाँ पर जैसा कि हमने आपको कहा है, खर्चों पर आपको नज़र बना कर रखनी है, लेकिन यहाँ पर खर्चे ऐसे होंगे जिनको करने पर आपको परेशानी नहीं होगी। हालांकि अच्छे से नियंत्रण में रहकर खर्च करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आज आपको कोई ऐसे मौके भी मिल सकते हैं जो आपको खुश कर जाएंगे। आप में से यदि कुछ लोग अगर विदेश जाना चाहते हैं, काफ़ी दिनों से अपने विदेश जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आज आपका विदेश जाने का मौका मिल सकता है। जी हां मित्रों, क्योंकि यहां पर ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव है काफ़ी शुभ योगों का निर्माण कर रहा है, वो ऐसी चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा है जिसमें आपको यात्राएँ करनी पड़ेंगी। या तो आपको कोई विदेशी यात्रा का मौका मिलेगा, या आपको अपने ही देश में यात्रा करने का मौका मिल सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ये यात्राएँ आपकी सफल होंगी जिनसे आपको अच्छा खासा लाभ भी मिलेगा। साथ में आज आपकी रुचि धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिससे आपके मन में शांति का भाव बना रहेगा। ये जो दिन होगा ये काफ़ी अच्छा आपके लिए कहा जा सकता है। आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप देखेंगे, अगर आपने कोई योजना बनाई थी उस पर अगर आप अमल कर रहे हैं तो वो आज आपके लिए लाभकारी रहेगी, उस योजना में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अपनी सूझबूझ को अच्छे से आप काम में लेकर आएँ। जो आपके सीखने की गति है वो यहाँ बड़ी तेज़ होगी, जिसके चलते आप बहुत कुछ सीख पाने में सक्षम होंगे, इससे आपको आने वाले समय में फ़ायदा भी मिलेगा। देखिए, समय के साथ कुछ सीखना सीखें, कुछ अच्छा है, अगर कुछ अच्छा मौका आपको मिलता है कुछ नया सीखने का तो ज़रूर सीखें। और यदि हम बात करें इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम आज देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये दिन काफ़ी फायदेमंद रहेगा, और जो जातक हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए भी फायदेमंद स्थितियों का निर्माण होगा। आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे, इस दिन को आप अच्छे से बिता पाएंगे, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे, कठिन से कठिन विषय पर ध्यान देंगे, क्योंकि आज इन सभी विषयों पर आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी होगी, अच्छी सफलता आपको हासिल होगी। समय बड़ा बढ़िया है। जो जातक अपने करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो देखिए, उनके लिए भी आज का ये दिन कुछ नया परिवर्तन लाने का होगा। करियर में आप अच्छी दिशा चुन पाएंगे, स्थितियां काफ़ी अच्छी निर्मित हो रही हैं, तो इनका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन के बारे में। इस राशि के जो जातक विवाह योग्य हैं वह आज अपने पार्टनर के चुनाव को लेकर अपने माता पिता को मनाने में लगे रह सकते हैं, क्योंकि आप अपनी बातों से उन्हें प्रसन्न करने में सफल भी होंगे। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं यानी कि लव मैरिज करना चाहते हैं तो आज आप अपने परिवार वालों से इसके लिए बात कर सकते हैं। मित्रों, अगर आप अपना मनपसंद जीवन साथी चुनना चाहते हैं तो ज़रूर इसके बारे में अपने माता पिता से बात करें। दिन काफ़ी अच्छा है, ये आपके माता पिता की आपके जीवन की बात है, इसलिए आप सही से अपने पेरेंट के सामने अपने जीवन साथी के चुनाव के लिए बात कर सकते हैं। वैसे भी आज आप जिस तरह से बात करेंगे आसानी से अपने घर वालों को आप मना सकते हैं, तो इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं।
एक बात का ध्यान रखें, उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश ना करें। चलिए बताते हैं आज का विशेष उपाय। मित्रों, आज आप गुड़ का दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में।